नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पत्ते के भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो पत्ते का जो चौड़ा हरा भाग है उसे हम कहते हैं लेमाइना, जिसे हिंदी में कहते हैं पटल। और पत्ते का छोटा सा भाग जिसके साथ वो तने के साथ में जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं पेटियोल इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहते हैं पर्णवृंत। और पत्ते के ऊपर जो रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको हम कहते हैं वेन्स या शिराएं। अब पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही मोटी रेखा होती है जिसे हम कहते हैं मिडरिब या मध्य शिरा। पत्ते की जो वेन्स हैं, रेखाएं हैं जो पत्ते के ऊपर, वो एक जाल सा बनाती हैं, डिज़ाइन बनाती हैं, जिसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। लीफ वेनेशन भी दो तरह की होती है। पहली तो रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें क्या होता है कि जो मध्य शिरा है, मिडरिब है, उसमें से छोटी छोटी वेन्स निकल रही हैं उसके साइडों पे, एक जाल सा बना रही हैं लमाइना पर। दूसरी तरह की वेनेशन होती है पैरेलल वेनेशन, इसमें कोई भी मुख्य शिरा तो नहीं है, कोई मेन वेन तो नहीं है, सभी जो वेन्स हैं एक दूसरे से पैरेलल चल रही हैं। अब देखिए एक चीज़ पौधों के वेनेशन से रिलेटेड, जिन पौधों के जो पत्ते होते हैं अगर तो उनकी वेनेशन पैरेलल वेनेशन है, उनकी जो जड़ें होंगी वो जड़ें फाइब्रस रूट्स होंगी, और जिन पौधों के पत्तों की रेटिकुलेटेड वेनेशन होगी यानी कि मध्य शिरा होगी, आसपास शिराओं का जाल होगा, उनकी जो जड़ें होंगी वो टैप रूट्स होंगी। टैप रूट यानी कि एक मुख्य जड़ होगी और आसपास छोटी छोटी जड़ें होंगी, और जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती, सभी रूट्स एक समान होती हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य।